हेलो संग माने मेजी फाउंडेशन राव एक नुवा वीडियो को समस्त को स्वागत। आज रे वीडियो रे माने पुणि थरे माध्यमिक शिक्षा परिषद ओडिसा बोर्ड परिचालित आगामी दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा निमंते आरंभ करतिया गोटे वीडियो सीरीज परीक्षा साथी वीडियो सीरीज रो परवर्ती वीडियो करिबा। आज रे वीडियो रे माने दशम श्रेणी इंग्रजी बही रो गोटे गल्प ए टाइगर इन द हाउस उपरे 25 टी क्वेश्चन डिस्कस करिबा एवं से 25 टी क्वेश्चन एवं तार रिलेटेड क्वेश्चन माध्यम रे पूरा टॉपिक टा को कवर करिया को चेष्टा करिबा। आपण मानको गोटे अनुरोध रहइबो आपण माने प्रथमे ए भिडियोटी देखिया पूर्व पाठटी को भल भाबे पढ़ी निंतु जहाँफल आपण माने बुझि परिया आमे किपरि 25 टी क्वेश्चन माध्यम रे पूरा टॉपिक टा को कवर करिया को चेष्टा करछन्ती। ओके ता संगे मु जेतेबेले क्वेश्चन टी पढ़तबी टिके पॉज करके आपण आंसर टी भाबि निंतु तापर भिडियोटी देखंतु तार एक्सप्लेनेशन बुझंतु ता संगे रिलेटेड क्वेश्चन गुडा को मते जानंतु जो द्वारा आपणकर कॉन्फिडेंस गेन हबो आ आपण माने परीक्षा रे भल करि परिबे। ओके तो से भितरे आजर प्रथम क्वेश्चन होउची द नैरेटर्स ग्रैंडफादर रिक्वेस्टेड टू एकॉम्पैन द हंटिंग पार्टी सिंस ही। आम प्रति क्वेश्चन को ओडिया बुझा तार आंसर देवा चेस्टा करा मुझे समस्त ओडिया स्टोरी निहती जानते और जेहतु आपड़े स्टोरी जानते हैं जितने ओडिया बुझेदेवी हूं तो आपको आहुरी सहज हो पाए। द नैरेटर्स ग्रैंडफादर वाज रिक्वेस्टेड टू एकॉम्पैन द हंटिंग पार्टी सिंस। नैरेटर ग्रैंडफादर लेखकों ग्रैंडफादर को हंटिंग पार्टी सहित जो शिकारी दल आसाला से शिकारी दल सहित जीवापी कहीं डकला ऑप्शन हूँ कि न्यू एनिमल बेटर से पशु मान को भलसे जानते वाज ए फेमस शिकारी जन भल शिकारी थे वाज ए बीटर जन बीटर थे नो द फॉरेस्ट ऑफ स्वेलिक बेटर स्वेलिक रो फॉरेस्ट गुडा को भलसे जानते आम पढ़ी जे ही न्यू द फॉरेस्ट ऑफ स्वेलिक हिल्स बेटर देन मोस्ट ऑफ पीपल से फॉरेस्ट ऑफ स्वेलिक को भलसे जानवर एकम्पेन कराइला यू आम कौन मन रखा जो हंटिंग एक्सपेडिशन टा कौट होता कौ जंगल थेराई जंगल जोटा कि डेरा पाखे अच्छे थेराई जंगल जोटा कि डेरा पाखे अच्छी ग्रांड फादर को कहीं ना से स्वेलिक हिल्स को बेटर देन मोस्ट ऑफ पीपल जानवा जो निगर से जो हंटिंग पार्टी को वेरी इंपोर्टेंट पर्सन फ्रॉम दिल्ली दिल्ली बहुत सारा इंपोर्टेंट लोक आसते जिन मन रखा तापर क्वेश्चन द नंबर ऑफ एलिफेंट इक्विपाइड विथ हाउडास वेज द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इक्विपाइड विथ हाउडास वेज तो कतेटा एलिफेंट उपर हाउडा लगी तो से सब जिन देखा तो आम पढ़ी देर वेर आल्सो सम 15 एलिफेंट पाखापाखि 15टा एलिफेंट जाइला पाखापाखि केतटा एलिफेंट जाइले 15टा एलिफेंट फोर ऑफ देम विथ हाउडा ता भितर केते जणकर हाउडा थिला केते जणक उपरे बसिया पई स्थान कराइला ना चारिटार केतटार चारिटार बड शिकारी को मानक पई ना शिकारी मानक पई। ओके बुझिला जे टोटल 15टा एलिफेंट नहीं से माने जा भितर चारिटार हाउडा लगीला और से हाउडा कम पे लगीला ना शिकारी मानक पई लगीला। ओके तापर देखिबा द टाइगर कॉप हाइड हिमसेल्फ अमंग द इंटिकेट रूट ऑफ डेथ तो ये पढ़ते व्वेन ग्रैंडफादर स्ट्रोलिंग राउंड द फॉरेस्ट पाथ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पार्टी है जिते बड़े रेस्ट ऑफ पार्टी टेंट रे थिले ग्रैंडफादर कौन करते से टेंट रू किसी दूर आसिक स्ट्रोलिंग करते एने तेणे बुलूते और से डिस्कवर कले लिटिल टाइगर कॉप ऑफ 18 इंचेस लॉन्ग 18 इंच उच्चतार गोटे छोटिया बाघ छुआ हाइडिंग हिमसेल्फ इन द इंटिग्रेट रूट ऑफ बानियन ट्री है तो इंटिग्रेट रूट ऑफ बानियन ट्री बानियन ट्री रो चेरो रो जो इंटिग्रेट छंदा छंदी होता अंश गुड़ाक भितर गोटे 18 इंच रो भागटी निजी लुचे रखी था। ओके पढ़िया द वाइसराय यूज टू हैव डिनर विथ डेस फिंगर ग्लासेस हॉट वाटर प्लेट्स 7 or 8 आइटम फूड ऑल द अबव तो ये विशेष रे पूरा कैंपटा विषय कथ जो कैंप था कैंपटा बहुत अभूतपूर्व था 7 लार्ज टेंट्स फॉर ईच वन फॉर ईच शिकारी जो भितर से जो टेंट से जो हंटिंग एक्सपेडिशन जो टेंट लगी से टेंटा बहुत अभूतपूर्व था सातटा बड़ टेंट था प्रति शिकारी मान गोटे गोटे प्रति शिकारी गोटे गोटे बड़ टेंट था गोटे डाइनिंग टेंट था और बहुत सारा सर्वेंट टेंट था डिनर जो था द ग्रैंडफादर एडमिटेड आफ्टरवर्ड इट वाज नॉट ऑब्टेन दैट वन सो हॉट वाटर प्लेट्स से हॉट वाटर प्लेट्स भी था फिंगर ग्लासेस भी था 7 or 8 टाइप रो कोर्सेस होता वाइसराय समय सब कैंप गुड़ाक सब हंटिंग कैंप गुड़ाक ये टाइप रही होता तो से पचारे वाइसराय यूज टू हैव डिनर विथ डेस फिंगर ग्लासेस हॉट वाटर प्लेट्स 7 or 8 आइटम ऑफ फूड ऑल द अबव तार आंसर हम ऑल द अबव। ओके देखिए द हंटिंग पार्टी कंसिस्टेड ऑफ सेवरल डेस फ्रॉम दिल्ली प्रोफेशनल शिकारीज वेरी इंपोर्टेंट पर्सन फॉरेस्ट ऑफिसर ऑल द अबव पढ़ते गोटे क्लीयर लाइन पढ़ी जे इट कनसीस्टेड अफ सेवराल भेरी इंपोर्टां पर्सन फ्रम दिल्ली तो आंसर कौन हम भेरी इंपोर्टां पर्सनस हम जो आम जानते प्रोफेसनाल शिकारी मैंने आसते
किंतु लिटरेचर रे बुक रे जो जिनसटा देई थाए केवल सही जिनसटा ही आमे आंसर लिखि परिबा आमो हिसाब रे आमे ताको इम्प्रोवाइज करिके लिखि परिबा ना तो सिद्ध में इटा आंसर हबो वेरी इंपोर्टेंट पर्संस ओके तापरे वेयर वाज तेराई जंगल टिके पूर्व रे आमे कथा हले तेराई जंगल कोट अछि से ऑप्शन देछि नियर डेरा नियर मुंबई नियर दिल्ली नियर राजस्थान आमे क्लियरली जान छथि नियर डेरा तापर देखिबा द लार्ज टेंट्स वेयर मेंट फॉर आमे एटा भी कथा हले लार्ज टेंट कुडा को का पे तेरी दिला ना शिकारी मानक पे का पे शिकारी मानक पे ओके व्हाट वाज टिमोटीज लेंथ आमे कथा हले एटे ऑप्शन देछि 15 इंचेस 17 इंचेस 18 इंचेस एंड 20 इंचेस द आंसर कोन हो 18 इंचेस लॉन्ग हम पढ़ले ना गोटे 18 इंचेस रो टाइगर कब इंटीग्रेट रूट ऑफ बानियन ट्री भितरे निजुक लुची की रखी थिला हु नेम्ड टाइगर टिमोटी टिमोटी को ता ना के देला ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर द ऑथर एंड मोहम्मद ओके तो प्रथमे जानबा मोहम्मद होउछन्ती तांकर कुक प्रथमे तो एटा मन रखिनबा मोहम्मद होउछन्ती तांकर कुक तांको ना के देला ग्रैंड मदर तांको ना के देला ना ग्रैंड मदर ओके वेयर डिड टिमोटी स्लीप एट नाइट टिमोटी रात रे कोड सोउतला आमे जानछन्ती ही स्लेप्ट एट नाइट एट कुक्स क्वार्टर से कोड सोउतला कुक्स क्वार्टर रे सोउतला ओके तापर देखिया टिमोटीज कंपेनियन टोटो वाज अ डेस आमे जानछन्ती टिमोटी रो दुईटी कंपेनियन थिले की टिमोटी वाज प्रोवाइडेड विथ टू कंपेनियन गोटे हूँ टोटो जी गोटे मंकीटा आउ गोटे स्मल मंग्रिल पपी सहित गोटे कंपेनियन थी ता संगे मंकी विषय जब गोटे जिन मन रखा मंकी सहित कौन करुला ना धीरे से टू पुल द यंग टाइगर टेल देन क्लाइंब अप इन द कर्टेन से कौन करुला आर लांगटी को झिकी देकर कर्टेन उपरको चढ़ी जाऊला तो ये आंसर कौन हम टोटो गोटे कौन थी मंकी संगे आउ गोटे कंपेनियन किए तार मंग्रिल पपी गोटे ओके ए चेंज कम ओवर टिमोटी व्हेन ही वाज टिमोटी उपरे गोटे चेंज आसला केतेबेले ना टेकन टू जू जू को नहीं गला परे अबाउट 6 मंथ ओल्ड 6 मास परे अबाउट 1 ईयर ओल्ड गोटे वर्ष परे गिवेन एर आट्राक्टिव फुड जितेबेले देखो आट्राक्टिव फुड दिया गला तमे जानिछंती टिमोटी रे जेते टिमोटी को जितेबेले 6 मास हो गला 6 मास परे ता भितरे बहुत सारा चेंजेस आसला कौन कौन चेंजेस आसला ना ही ग्रू स्टेडीली लेस फ्रेंडली से कौन होतला धीरे धीरे लेस फ्रेंडली हेबाक लागिथिला का सहित सेते मिसु नथिला व्हेन आउट फॉर ए वर्क ताको जेतले बाहर को नियाउतला ही वुड ट्राई टू स्टील अवे और स्टॉक ए केट और समन्स पेट विकेन जेते बेले भी ताको बाहर को नियाउतला कार कुकुर को हो कार बिल्ली को हो से अटैक करिया को सबले जाउतला सम टाइम एट नाइट बेले बेले नाइट रे मध्ये फेंस्ड क्रैकलिंग फ्रॉम द पॉलिट्री हाउस जो कुकुड़ा पालन केन्द्र थिला से कुकुड़ा पालन केन्द्र रु कोन होतला सबले फेंस्ड क्रैकलिंग मींस आतंकित शब्द गुडा को सुना जाउतला सकाळे बारंडा रे चारियाट केवल फीदर्स गुडा को पडतला जोडा इंडिकेट करतला टिमोटी एबे कोन हे जाइछि टिके विलेनियस हे जाइछि आ से समस्त को विलेनियस इंटेंट रे मध्ये चाहुतला आ से समस्त को विलेनियस इंटेंट मध्ये चाहुतला तो ए सब चेंजेस आसिया जो ग्रु ग्रैंडफादर मध्ये डिसाइड करथिले जे ताकु कोन कराबो जो को ट्रांसफर कर देबार समय पळे आसिला बोली कि ता संगे रे ग्रैंडफादर प्रॉफिटिंग मैनर गोटे लाइन कहिथिले वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोटी सिटिंग ऑन मोमोस बेड एंड नो साइन टू कुक एक्सेप्ट द क्लॉथेस एंड सू ता मे एटा मन रखिया दरकार जे को लाइनटा को स्टेटमेंटटा किए कही गल्पुर बहुत समय रे ए क्वेश्चन गुड़ाक आसे तो ये ग्रैंडफादर कौन कहले इमित गोटे दिन निश्चय घटव टिमोटी व्यवहार को देखिए से इमित कहले इमित गोटे दिन निश्चय घटव जो दिन टिमोटी बेड जो दिन महम्मद बेड महम्मद नो दिन महम्मद बेड महम्मद नवल तार क्लथेस और सू गुड़ाक थी ओके तो ये आपने जानपरते से कौन इंडिकेट करने को चाहूँ देखिए परवर्त क्वेश्चन कौन अच्छी When the milk proved too rich, the tiger cub was put on the diet of raw mutton and dates. तमे एटे पढ़ते टिमोटी खाद्य परिचर्या कौन थी पूरा प्रथम कौन कराला मिल्क दिखाला बै बोटल आउ किए दौला महम्मद कुक दौला बोटल मिल्क दौला कि परवर्त समय कौन है धीरे धीरे कौन कराला रॉ मटन कॉल लिवर ऑयल बेले बेले टेम्पेटिंग डाइट ऑफ पिजन एंड रैबिट्स दिखाला तो ये कौन हम पुट ऑन द डाइट ऑफ रॉ मटन एंड डेस ऑयल सार्क लिवर ऑयल कॉल लिवर ऑयल बटर फिश लिवर ऑयल क्रॉकर लिवर ऑयल तो ये आंसर हम कॉल लिवर ऑयल ओके देखिए 14 नंबर टिमोटीज फेवरेट अम्यूजमेंट टिमोटीज फेवरेट अम्यूजमेंट तार फेवरेट अम्यूजमेंट कौन थी टू स्टॉक एवरीवन टू बाइट एवरीवन टू रोर एट एवरीवन और टू लीक एवरीवन और टू लीक एवरीवन स्टॉक बोली कहले पचर पचर पिछा करवा बाइट बोली कहले चोबेवा रोर बोली कहले गर्जन करवा लीक बोली कहले चाटिबा तो ये भितर टिमोटी फेवरेट अम्यूजमेंट तार प्रमुख आमोददायक कार्य कौन थी टिमोटीज फेवरेट अम्यूजमेंट वाज टू स्टॉक एनीवन हु वुड प्ले विथ हिम ता संगे जी भी खेलुची
ତାର ପିଛା କରିବା ତାର ପିଛା କରିବା ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଆମଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ବ୍ରାଣ୍ଡପାଦଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିମୋଟିର ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଗଲେ, ଲେଖକ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଗଲେ। ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ଟିମୋଟି କିପରି ଖେଳେ ନା, ତାର କ୍ରାଫ୍ଟି ଲୁକ୍ରେ, ତାର ଦ୍ରୁତ ଚାହାଣିରେ ହେଲା, ତାର ଗ୍ଲିଟରିଂ ଆଇରେ ଗୋଟେ କ୍ରାଫ୍ଟି ଲୁକ୍ ଦିଏ। ଗ୍ଲିଟରିଂ ଆଇରେ କ୍ରାଫ୍ଟି ଲୁକ୍ ମିନ୍ସ ଛଲସୁଥିବା ଆଖିରେ ସେ କ'ଣ କରେ ଗୋଟେ ଦ୍ରୁତ ଚାହାଣି ଦିଏ ଏଣ୍ଡ ବଡି କ୍ରାଉଚିଂ, ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରାଉଚ୍ କରି କରି ଯାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲୋଜର୍ ଆସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଲୋଜର୍ ଆସେ, ମେକିଂ ଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଫର୍ ମାଇ ଫ୍ରିଡ୍ ଏଣ୍ଡ ରୋଲିଂ ଓଭର୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ବେକ୍ ଏଣ୍ଡ କିକିଂ ଡିଲାଇଟ୍ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରେଟେଣ୍ଡିଂ ଟୁ ବାଇଟ୍ ମାଇ ଏଙ୍କେଲ୍। ଆଉ ତାଙ୍କ ଏଙ୍କେଲ୍କୁ ବାଇଟ୍ କଲା ଭଳିଆ ଛଳନା କରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଖେଳେ। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ବି ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ସେ ଯେ ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଖେଳୁଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଫେଭରେଟ୍ ଆମୁଜମେଣ୍ଟ ହବ ଟୁ ଷ୍ଟାକ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଟିମୋଟି ମେଡ୍ ହିମସେଲ୍ଫ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଅନ୍ ଦ ଡେ, ଆମେ ଏଇଟା ବି ପଢ଼ିଥିଲେ। ଟିମୋଟି ନିଜକୁ କେଉଁଠି ଅଧିକ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ମନେ କରୁଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ସୋଫାରେ ମନେ କରୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ସୋଫା ଯେଉଁ ଘରେ ଥିଲା ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ମନେ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ତାକୁ କିଏ ସେଠୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, ସ୍ନାରିଲିଂ କରୁଥିଲା, ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା, ସ୍ନାରିଲିଂ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ବି ଜାଣିବା ଯେ ଟିମୋଟିର କ୍ଲିନ୍ ହାବିଟ୍ସ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସିଏ କ'ଣ କରେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପା ଦ୍ୱାରା ନିଜର କ'ଣ କରେ ଫେସ୍କୁ ସ୍କ୍ରବ୍ କରେ, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଅ କେଟ୍, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଅ କେଟ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଦ ନିୟରେଷ୍ଟ ଜୁ ଟୁ ଦ ରାଇଟର୍ସ ହାଉସ୍, ରାଇଟର୍ସ ହାଉସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜୁ, ସବୁଠୁ ନିକଟତର ଜୁ କରୁଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଜୁ, ମେଲଗାଟ ଜୁ, କର୍ବେଟ ଜୁ, ଅଲିପୁର ଜୁ। ତ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଟିମୋଟିର ବିହେଭିଅର୍ ଦେଖିକିରି ନାଖୁସ୍ ହେଲେ, ଟିମୋଟିର ବିହେଭିଅର୍ ଦେଖିକିରି ଆତଙ୍କିତ ହେଇଗଲେ, ସେ ତାକୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଜୁକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଜୁ ଥିଲା ସେଟା କେଉଁଠି ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଥିଲା। କେତେ ଦୂରରେ ଥିଲା, 200 miles ଅବେ, କେତେ ଦୂରରେ ଥିଲା, 1200 miles ଅବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର୍ସ ପ୍ରୋଫେସି ୱାଜ୍ ଦ ଟାଇଗର୍ସ ୱୁଡ୍ ପ୍ରିଫେର୍ ସ୍ଲିପ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି, ଡିସେପେର୍ ଲିଭିଂ ଦ କୁକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲଥେସ୍ ୱାନ୍ ଡେ, ମେକ୍ ମିଲ୍ ଟୁ ମହମୁଦ, ଲିଭ୍ ଦ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନାଇଟ୍। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କର ପ୍ରୋଫେସି କ'ଣ ଥିଲା, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯେଉଁ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇକରି ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ ସେଟା କ'ଣ ଥିଲା, ସେ କହୁଛି ପ୍ରିଫେର୍ ସ୍ଲିପ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି, ସ୍ଲିପ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ଶୋଇବ, ଡିସେପେର୍ ଲିଭିଂ ଦ କୁକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲଥେସ୍ ୱାନ୍ ଡେ, ହେଲା, ତ ସେ କୁକ୍ସକୁ ଆଉ କ୍ଲଥେସ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଗୋଟେ ଦିନ ପଳେଇଯିବ, ମେକ୍ ମିଲ୍ ଟୁ ମହମୁଦ, ମହମୁଦକୁ ଖାଇଯିବ, ଲିଭ୍ ଦ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍, ଆଉ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆନ୍ସର୍ କହିପାରିବା ମେକ୍ ମିଲ୍ ଟୁ ମହମୁଦ। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କହିଥିଲେ ନା କେବଳ କ'ଣ ଥିବ, ମହମୁଦର କପଡ଼ା ଥିବ, ଜୋତା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମହମୁଦ ନଥିବ, ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆଉ ଇଏ ସେ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିଥିବ, କିଏ ଟିମୋଟି ସେ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିଥିବ, ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠୁ ଆତଙ୍କିତ ହେଇକରି ସେ ତାକୁ ଜୁକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହବ ମେକ୍ ମିଲ୍ ଟୁ ମହମୁଦ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଡିସାଇଡେଡ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଟିମୋଟି ଟୁ ଏ ଜୁ, ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ଇଟ୍ ଡେସ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ନେଚର୍, ରୁଡ୍ ବିହେଭିଅର୍, ଭିଲେନିୟସ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଅଲ୍ ଦ ଏବଭ୍। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କ'ଣ ଦେଖିକି ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ଟିମୋଟିକୁ ଏବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବାର ଅଛି ନିୟରେଷ୍ଟ ଜୁକୁ, ତାର ୱାଇଲ୍ଡ ନେଚର୍ ଦେଖିକି, ତାର ରୁଡ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଦେଖିକି, ତାର ଭିଲେନିୟସ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିକିରି ନା ସବୁଗୁଡ଼ାକ। ତ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିଥିଲେ ଯଦିଓ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ପୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ ୱେନ୍ ହି ବିଗିନ୍ ଟୁ ଟକ୍ ମହମୁଦ, ମହମୁଦଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଭିଲେନିୟସ୍ ସେଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ସେ ଗୋଟେ ଭିଲେନିୟସ୍ ସେଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଚାହୁଁଥିଲା, ଗୋଟେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିରେ ଚାହୁଁଥିଲା, ଗୋଟେ ଖଳ ଚାହାଣିରେ ଚାହୁଁଥିଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜୁକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ତାର ଆନ୍ସର୍ ହବ ଭିଲେନିୟସ୍ ସେଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଓକେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଆମେ ଆମଠୁ କୌଣସି ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ କରିବାନି, ଯାହା ଦେଇଛି ଲିଟରେଚର୍ରେ ତାହା ହିଁ ଲେଖିଲେ ହିଁ ଠିକ୍ ମାର୍କ ମିଳେ। ଓକେ, ଯାହା ଦେଇଛି ଲିଟରେଚର୍ ସବଜେକ୍ଟରେ ଯାହା ଦେଇଛି ତାହା ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଓକେ, ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର୍ସ କୁଡ୍ ନଟ୍ ମିଟ୍ ଦ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଜୁ ହିଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଆଟ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ତ ମନେ ରଖିବା, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କେବେ କଲେ ଜୁ, ପ୍ରଥମ ଭିଜିଟ୍ରେ ତ ସେ ଟିମୋଟିକୁ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନା, ସେକେଣ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କେବେ କଲେ, 6 ମାସ ପରେ। ସେଦିନ ସେ କାହିଁକି ମିଶିପାରିନଥିଲେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ, ଅପ୍ସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ୱାଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଲିଭ୍ ଦାଟ୍ ଡେ, ୱାଜ୍ ବିଜି ଆଟ୍ ଅଫିସ୍ ୱାର୍କ, ୱେଣ୍ଟ ହୋମ୍ ଅର୍ଲି, ଡିଡ୍ନ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ମିଟ୍ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ଯେ ସେ ସେଦିନ ଛୁଟିରେ ଥିଲେ, ବିଜି ଥିଲେ ଅଫିସ୍ ୱାର୍କରେ, ହୋମ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଥିଲେ ବା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ ନା, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଦିନ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା, ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହବ ୱେଣ୍ଟ ହୋମ୍ ଅର୍ଲି, ୱେଣ୍ଟ ହୋମ୍ ଅର୍ଲି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ କିପର୍ ଦ ଟିମୋଟି ଡାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଡେଜ୍ ନିମୋନିଆ, କ୍ୟାନ୍ସର, ଡାଇରିଆ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କିପରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଟିମୋଟି କେଉଁ ରୋଗରେ ମରିଥିଲା, ନିମୋନିଆ ରୋଗରେ ମରିଯାଇଥିଲା, ନିମୋନିଆ ରୋଗରେ ମରିଯାଇଥିଲା। ଓକେ,
इट वाज नॉट योर टाइगर हु इज द स्पीकर हियर हला ए जो पॉइंट है मु कहितली स्टेटमेंट गुडा को पचारी बोली इट वाज नॉट योर टाइगर एटा तुम टाइगर नहि इट इज स्पीकर टा की द जो द जू फॉरेस्ट गार्ड जू रो फॉरेस्ट गार्ड द जू कीपर द जू फॉरेस्टर द जू सुपरिटेंडेंट तो आम जान एटा किए कहला ना पुराणा जी कीपर टा जी की टिमोटी को ट्रांसफर कला बेलू भी सी जब करूला ओके सेट आंसर कौन हम द जू कीपर आंसर कौन हम द जू कीपर एक देखा द जू अथॉरिटी टू वेर ग्लाड टू रिसीव टिमोटी बिकॉज ही वाज जू अथॉरिटी टिमोटी को नेला बेले अत्यंत आनंदित थिले काहेकि ना वेरी रेदर स्टूपिड गोटे स्टूपिड थिला वेरी फ्रेश बहुत द्रुत थिला फेयरली सिविलाइज पूरा सिविलाइज थिला सब जिनस फेयरली सिविलाइज पूरा सिविलाइज थिला और वेरी फ्रेंडली थिला फ्रेंडली तो नथिला काहेकि ना ता विलनियस इंटेंट देखि ग्रैंडफादर ताको ट्रांसफर करिया पे भाबिले तो एटु आमे मन रखिबा तो एटु आमे कोन पढ़थिले ना से माने काहे की खुशी थिले ना जेहेतु टिमोटी गोटे फेयरली सिविलाइज टाइगर थिला ताको रिसीव करिया पे जू अथॉरिटी पूरा ग्लैड थिले तो एटा आंसर कोन हो फेयरली सिविलाइज ओके तापर देखिए ग्रैंडफादर सजेस्टेड टिमोटी शुड बी पुट इनटू अनदर केज बिकॉज ग्रैंडफादर टिमोटी को आउ गोटे जू को आउ गोटे केज को ट्रांसफर करिया पे काहे की सजेस्ट करले द टाइगर वाज बैड टेंपर से टाइगर टा बैड टेंपर थिला द केज वाज टू स्मॉल केज टा छोटो थिला द लियोपार्ड कांस्टेंटली रस बीट गोटे लियोपार्ड थिला जे की ताडे कांस्टेंटली रस करथिला देयर वाज नो प्रॉपर फैकल्टी फैसिलिटी फॉर द टाइगर सेटे प्रॉपर फैसिलिटी नथिला ताने पढथिले जेतेबेले ग्रैंडफादर जू को जाइथिले आउ से टाइगर आउ ग्रैंडफादर को भितरे गोटे भावपूर्ण मुहूर्त चलथिला से समय रे बारंबार लियोपार्ड आसी की डिस्टर्ब करिवार जा फळरे से टाइगर टी डरिकी पछुक पळे जिवार जा फळरे टाइगर डरिकी पछुक पळे जिवार तो सेइति पई ग्रैंडफादर सजेस्ट कोन कले आकु आउ गोटे जू को आउ आकु आउ गोटे ग्रैंडफादर सजेस्ट कोन कले आकु आउ गोटे केज को ट्रांसफर कर दिया जाउ तापरे हाउ डिड ग्रैंडफादर वर्क आउट फ्रॉम द जू जेतेबेले ग्रैंडफादर सुनिया को पाइले एटा तांको टाइगर नुहे किंतु तांको सहित से टाइगर टा आज यूजुअल टिमोटी जो प्रकार बिहेवियर देखेबार से प्रकार कथा वार्ता होतला तो सेइति पई जेतेबेले ए सब कथा सुनिकरी जे ये तांको टाइगर नुहे तांको हिल्स रो अणा हिची किछि दिन पूर्वे आंको टाइगर निमोनिया रे मरी गला ए सब जुनस सुनिकरी ग्रैंडफादर पूरा हताश हो गले आउ से दृष्टि रु हताश हो गले आ तांको भीतर गोटे एंग्विश मध्य प्रकाश पाइला राग मध्य प्रकाश पाइला आउ सेही कारण रु से किपरि आसिले बोली कथा होइचंदी आमे पढ़थिले ना ब्रिस्कली बाहर जाइथिले विथ ए स्कॉर्नफुल लुक टू द कीपर गोटे स्कॉर्नफुल लुक गोटे घृणापूर्ण चाहणी से कीपर को अनेकी ताको लागो नथिला ताको विश्वास ही होनथिला एटा ताको टाइगर नै काहेकि ना से प्रकार व्यवहार ही देखौथिला ए टाइगर ता मध्य तेणु सी भाबिले काले से कीपर आंको मिछ कहउछि आ सेइ पय से कोन कले घृणा कर घृणापूर्ण चाहणी ताको अनेकी सेटु चंचल भाबे बाहरि गलि तापर देखिया द स्टोरी डिस्क्राइब लव बिटवीन मेन एंड एनिमल इज को स्टोरी टारे लव बिटवीन मेन एंड एनिमल देखाइछि नियाते बेटर आंसर हो द टाइगर इन द हाउस ओके तो ए प्रकार विशेष रे आमे मात्र 25 टी क्वेश्चन माध्यम रे पूरा टॉपिक पूरा टाइगर इन द हाउस टॉपिक टा को कवर करिया को चेष्टा करले आउ आपन माने ए वीडियो टा भलो भाबे देखि गिरि प्रतिटा पॉइंट को बुझंतु आ मन रखंतु आ परीक्षा रे भलो करंतु तो जदि आजर वीडियो भलो लागते त लाइक कमेंट शेयर कर नेबे चैनल को सब्सक्राइब मते कर नेबे जय जगन्नाथ धन्यवाद।